कुछ बहाना बना के डिस्टर्ब होते, तुम क्या करते काम अंदर, मेरे को मालूम है तुम क्या करते। एक अर्जी दिया तो 15 दिन तक बेंगलुरु को भेजना नहीं होते, क्या काम करते आप लोग। बहाना मत बनाओ, इज्जत से यू ट्राई टू रेस्पेक्ट द सेंटीमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। 15 दिन आपको टाइम दे रहा है, 15 दिन का अंदर ये सब लोगों को परमानेंट करना। तुम ऐसा डिस्ट्रिक्ट में एक नया डिप्टी कमिश्नर आके हमको कुत्ते जैसा गेट का बाहर ठहरा कर रहे। यहाँ पे ओराट करने वाला, सत्याग्रह करने वालों को इज्जत मिलना, दिस इज द डिमांड ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ कलबुर्गी। ये जो आज हम जो होराटा कर रहे हैं, ये ग्राम विद्युत प्रतिनिधि बोल के है, बोले तो खेड़े गांव में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि है ये। हर पंचायत को एक आदमी अपॉइंट होके सारे उनका पास जो जितना कस्टमर्स है 2,000, 2,500, 3,000 उतना लोगों को उनका मीटर हर महीने को रीड करके उनको बिल इश्यू करना, और उनका मकान को 3-4 बार जाके उनका पैसे जो देते बिल का ऊपर वो पैसे दे के जमा करके बाद में उनसे बाद में वो सब डिविजन को जमा करना। उसी दिन जमा नहीं करे तो इनको 100 रुपये फाइन डालते। सब डिविजन कहाँ रहते बोले तो इनका गांव से 40 किलोमीटर दूर रहते। इसको टीए नहीं, डीए नहीं, गाड़ी नहीं, क्या भी नहीं। ये बच्चे लोग उनका हाथ से हर दिन 1 लीटर पेट्रोल डाल के सारे गांव में, सारे पंचायत अंडर में इन्हों फिर के बिल वसूली करके सरकार को जमा कर रहे। ऐसा लोगों को परमिट करो बोल के गवर्नमेंट बहाना बना रहे। इससे पहले इनको काली कमीशन था, जब हम लोग होराट करने के बाद इनको इससे पहले 2,000-1,500 कमीशन मिलता था महीने को। हम होराट होने के बाद 12,000 बोल रहे, 12,000 भी पूरा नहीं मिल रहे, 9,000, 9,500 टारगेट रीच नहीं हुआ, पेनल्टी वो ये बोल के इनको कर रहे। इससे इन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो रही। अब गवर्नमेंट एक हाई लेवल कमिटी, 6-7 टॉप IAS ऑफिसर्स का एक कमेटी बनाया था, वो कमेटी 6 महीने बैठ के मीटिंग करके ये लोगों को कायम करना बोलकर रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। देर होने के बाद हम हाईकोर्ट को गया, हाईकोर्ट ये लोगों का जो मांग है वो न्यायबद्ध है, दैट इज़ अ लीगल राइट, दीज पीपल हैव टू बी रेगुलराइज, यू हैव टू क्रिएट स्पेशल पोस्ट एज जूनियर मीटर रीडर्स एंड रेगुलराइज द सर्विसेज ऑफ दीज पीपल बोल के एक हाईकोर्ट का ये आया। वो छोड़ के सुनील कुमार साहब जो पावर मिनिस्टर है वो हाईकोर्ट ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते बोल के हमको बोल रहे, लेकिन ऑफिसर्स का बात सुन के उसका खिलाफ रिट अपील गया डिवीजन बेंच को। ये लोगों को घोर अन्याय है। हम आज सुनील कुमार साहब को ये पूछ रहे, आप 15 दिन आपको टाइम दे रहे, 15 दिन का अंदर ये सब लोगों को परमानेंट करना। तुम जैसा कोर्ट का ऑर्डर है, खाली मैं नहीं बोल रहा, ये लोग नहीं बोल रहे, हमारा जो न्यायांग है मोदी साहब से पकड़ के सब बोलते वी हैव गॉट फेथ इन फेथ एंड कमिटमेंट इन लॉ बोल के बोलते, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी बोले परमानेंट करो बोल के। आप मजाक मत करो, ये लोगों का ऊपर जिंदगी मत खेलो, जल्दी परमानेंट करना। 15 दिन का अंदर नहीं करे तो 4,500 GVP जो कर्नाटक में आए सब लोग मिलके बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में हम फास्ट अंटू दैट हंगर स्ट्राइक इंडेफिनेट सत्याग्रह को बैठने वाला है, वो मौका मत देव, बहुत जल्दी परमानेंट करो बोल के आज हम बसवराज बोम्मई साहब को और सुनील कुमार साहब को हमारे DC का तरफ से मेमोरेंडम दे के हम प्रेशराइज कर रहे हैं। DC के लिए कुछ बोल रहे देखो, ये कलबुर्गी जो है बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे हमेशा स्ट्राइक करते, क्यों बोले तो लोग सुनते नहीं, ऑफिसर सुनते नहीं, दूसरा इलाका का ऑफिसर्स आते, उन्होंने क्या करते इधर दरबार करते जाते। लेकिन अच्छा डिप्टी कमिश्नर को भी हमको मिले, हम उनका याद रखना, अंजुम परवेज साहब था, पंकज कुमार पांडे था, डॉक्टर विशाल था, हम कभी भी मैं जब भी होराट करे तो उन्होंने आके हमारा साथ टेंट में नीचे जमीन में बैठ के हमारा बात सुन के सरकार को पहुंचता था। मेरे सामने कई बार अंजुम परवेज साहब हमारा सामने CM को बात करे, ऑफिसर्स को बात करे, ये लोग ऐसा स्ट्राइक कर रहे काइंडली कंसीडर बोल के। ऐसा डिस्ट्रिक्ट में एक नया डिप्टी कमिश्नर आके हमको कुत्ते जैसा गेट का बाहर ठहरा कर रहे, कुत्ते जैसा। हम इंसाफ होना, हमको जस्टिस होना बोल के हम आ रहे, हम उनसे पैसे नहीं पूछ रहे, उनका हक नहीं पूछ रहे, हमको जो गवर्नमेंट देने का था वादा करे वो नहीं हो रहे बोल के हम आ रहे। ये दिस मेथड वी स्ट्रांगली कंडेम इट। हम यहाँ से पुलिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहे, यू पास दिस मैसेज टू द सेंट्रल
डिपार्टमेंट, आपका जो इंटेलिजेंस है बेंगलुरु में पहुंच के यहाँ पे होराट करने वाला, सत्याग्रह करने वालों को इज्जत मिलना, दिस इज द डिमांड ऑफ द एंटायर पीपल ऑफ कलबुर्गी। खाली मेरा श्रमजीवी वैदिक का नहीं है, खाली हमारा अखबार वाला, हमारा फोटोग्राफर सब धूप में ठहरना इंतजार करते, वो पहला एक सिस्टम है। डिप्टी कमिश्नर उनका फैंसी विम्स एंड फैंसी से काम नहीं कर सकते, देर आर प्रोसीजर्स लेट डाउन, कुछ बहाना बना के डिस्टर्ब होते। तुम क्या करते काम अंदर, मेरे को मालूम है तुम क्या करते, एक अर्जी दिया तो 15 दिन तक बेंगलुरु को भेजना नहीं होते, क्या काम करते आप लोग, बहाना मत बनाओ इज्जत से, यू ट्राई टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया, नहीं तो उसके लिए चेक स्ट्राइक करना पड़ता, बोल के मैं आई एम गिविंग एंड अल्टीमेटम टू द गवर्नमेंट।